स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। सही कहा था तूने, यहाँ तेरी शक्तियाँ मुझसे ज्यादा हैं, और तू देख ये तेरी शक्तियाँ ही तुझ पर कैसे उलटवार करती है। तू अपनी शक्तियों की मौत मरेगी, देख। नहीं, नहीं। नहीं, छोड़ दे मुझे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी गुरु। मैं जानता हूं कि तू इसी हवेली की चार दीवारी में है, यही कहीं छुपी है, बाहर निकल। ये हवेली भी मेरी है और इसकी चार दीवारें भी मेरी। यहाँ का पत्ता पत्ता मेरे इशारों पे चलता है, यहाँ तेरी कोई चाल कोई शक्ति नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। सुन गुरु, यहाँ मेरी शक्ति तुझसे ज्यादा है, आज मैं तुझसे नहीं तू मुझसे नहीं बचेगा। देखते कौन क्या करता है, अभी पता चल जाएगा। उम्र हो गई है तेरी, क्यों बुढ़ापे में इतनी बुरी मौत मरना चाहता है तू? तू जानता है चुड़ैल जब अपने आप पे आती है तो जान लेके जाती है, और आज तेरी जान मेरे हाथों में है। तू खुद आया है मौत के मुंह में, जानता है आज तेरी जान जाने वाली है। पर तू नहीं जानती कि किसी चुड़ैल की शक्ति से ज्यादा जान भगवान के भक्त में होती है, और वो हर कहीं है, इस गांव में, मेरे घर में, तेरी इस हवेली में, हर जगह वो है। लेकिन तू हर जगह नहीं हो सकती, और तूने आज एक भक्त को चुनौती दी है। तू उसकी आत्मा को चुनौती नहीं दे सकती, लेकिन आज तूने चुनौती दे दी है, तो देख इसका परिणाम भी देख। गुरु, सही कहा था तूने, यहाँ तेरी शक्तियाँ मुझसे ज्यादा हैं, और तू देख ये तेरी शक्तियाँ ही तुझ पर कैसे उलटवार करती है। तू अपनी शक्तियों की मौत मरेगी, देख। नहीं, नहीं। नहीं, छोड़ दे मुझे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी गुरु, छोड़ मुझे। आज तेरा अंत निश्चित है, इस गांव पे तेरे खौफ का जो छाया मंडरा रहा है आज वो मिट जाएगा। आज इस गांव से हर डर का अंत होगा, तेरा अंत होगा, ये ले, और सबकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। इस राम नाम घर से तेरे आतंक का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, तेरा अंत होगा, ये ले। आज तू नहीं बचेगी, आज तेरा खात्मा होगा, ये ले।
नहीं, राज और गौरी, राघव और वैद्य एक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मेरा मकसद पूरा होगा, होके रहेगा। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन हो गया ना, अब तो विश्वास कर सकती है ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मूव बैक, हाउ डेयर यू टच मी। मुझे तुम्हारी बातों पे तो क्या, तुम पे भी विश्वास नहीं है। वैद्य, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। ये हमारे साथ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो है जो मैं समझना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। आई एम श्योर दिस हैज अ मीनिंग इन आवर लाइव्स। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मुझे ये सब बातें कैसे याद आती, बोलिए आप बताइए। मुझे कैसे पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे पास कोई सुपर पावर्स तो है नहीं कि मैं आपके दिमाग के अंदर घुस जाऊं और पता लगा लूं कि आप क्या सोच रही हैं। एग्जैक्टली, मैं जब बोल रही थी तो तुमने मेरी बात सुन ली और मेरी बातों में चार लाइंस ऐड करके अपनी कहानी सुनाई। आई नो व्हाट यू डूइंग, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो ना। हाँ, मुझसे बदला ले रहे हो तुम। किस बात का बदला? आपने ऐसा क्या किया जो मैं बदला लूं? मैं इतनी बार बोल चुका हूं, इतना रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आप मान क्यों नहीं लेती बात? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये सब। कोई जरूरत नहीं है विश्वास दिलाने की। अगर तुम सच्चे होते ना तो जब मैं उस लड़की से मिलने की बात कर रही थी तो तुम झूठ नहीं बोलते। कौन सी लड़की? मैं आपसे इतनी बार बोल चुका हूं कि मैं किसी गांव की लड़की को नहीं जानता, मैं किसी से बात नहीं की है, लेकिन आप। राघव, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस लड़की से बात करते हुए देखा। अब मैं अपनी आंखों से देखी हुई बात पर विश्वास करूं या तुम पे? ऑब्वियसली मैं अपनी आंखों पे विश्वास करूंगी ना। मैं जो अपनी आंखों से देखती हूं उसे सच मानती हूं, उस पर विश्वास करती हूं। बाय द वे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये जॉब क्यों मिली? इसलिए क्योंकि तुमने मेरे डैड को फूल बनाया, इमोशनल फूल? नो मिस्टर राघव शर्मा, रियल रीजन मैं तुम्हें बताती हूं। जब तुम ऑफिस से बाहर निकल गए थे ना, तब मैंने तुम्हारी डिजाइन देखी थी। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, मुझे लगा कि तुम्हारी डिजाइन बहुत ही अच्छी है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर लिया, बिना कुछ देखे मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगा तुम्हें एक चांस देना चाहिए। बट यू नो वॉट, आई वॉज रॉन्ग। तुम्हारे लिए जो मेरी फर्स्ट इंप्रेशन थी ना, वो सही थी। राघव, तुम गलत हो, बहुत गलत। I'm requesting you, please, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्यों मुझे तुम पर यकीन नहीं करना है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसलिए यहां से निकलो। यू नो व्हाट राघव शर्मा, यू आर फायर्ड। क्या बोला तूने? किसका नाम लिया? एक बार फिर से बोल, फिर से नाम ले उनका। कौन लोग हैं वो? शायद वही जिनका ये नाम ले रही थी। कौन है वो लोग? मुझे जानना होगा, उससे पहले मैं इसे मार नहीं सकता। इसे होश में लाना होगा मुझे। बता कौन है वो, बता क्या नाम है उनका, क्या मकसद है उनका, तू क्या चाहती है? कौन है वो लोग? मुझे छोड़। मैंने कहा था ना,
यहाँ मेरी शक्ति तुझसे ज्यादा है। छोड़ मुझे जाने दे। इसी में थी ना तेरी सारी शक्तियां, खत्म, सब खत्म हो गई। अब बोल क्या करेगा तू। हम काली रात के काले साए हैं, हवाओं में उड़कर आते हैं, सीना चीर के आते हैं। आज तू नहीं बचेगा बुड्ढे, देख तेरी मौत तेरे सर पे खड़ी है। क्या बकवास कर रहा है यार? मैं बकवास कर रहा हूं? मतलब तुझे भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? अरे यार ऐसा नहीं है यार, तू गुस्सा मत कर। और नहीं तो क्या करूं यार, मुझे नहीं पता उस सपने में क्या आया था, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मेरी मदद मांग रही थी, हेल्प मांग रही थी, चिल्ला रही थी। अब रियल लाइफ में भी अगर उसके साथ कुछ हो जाए ना, कोई हादसा हो जाए, तो नहीं जाऊंगा बचाने के। मुझे बता, तुझे इतना पीछे पड़ने की क्या जरूरत थी? तेरी बॉस है यार, वो नहीं बताना चाहती थी, तू जबरदस्ती क्यों कर रहा था? इतने मुश्किल से जॉब मिली थी, अब फायर हो गया ना तू यार। अरे होगी ना गलती यार, तो क्या जान लेगी मेरी? क्या समझती अपने आपको? वैदिक खन्ना अपने घर में होगी, अपनी इंडस्ट्री में होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या होगा? मेरा करियर, मेरी जॉब, मेरा सपना थोड़ी देर के लिए होल्ड पे आ जाएगा ना, और तो कुछ नहीं होगा ना। मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश कर लूंगा, लेकिन उसके साथ कभी काम नहीं करूंगा। अगर उसमें ईगो है ना, तो मेरे में डबल सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके लिए तो काम बिल्कुल नहीं करूंगा। बनेंगे बनेंगे, अभी बनना है क्या? अभी थोड़ा शांत हो जाना भाई, बैठ आ जा, गर्मी सेकते अपन, गर्मी से तू सेक तेरी गर्मी यार, चुप कर। सही भी है, वैसे तुझे क्या जरूरत है गर्मी सेकने की, ऑलरेडी इतनी गर्मी है तेरे अंदर। और गर्म नहीं होना है, बिल्कुल ठंडा होना है, ठंडा होना है। मेरे को एक बात बता, मैं तेरा बचपन से दोस्त हूँ, आज तक मैं कभी आया हूँ तेरे सपने में? वो तो बढ़िया आ गई तेरे सपने में, कैसे? क्या कर रहा है अभी, क्या कर रहा है? अरे मस्ती कर, अरे मस्ती कर रहा था भाई। विराज, संजना, 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 तुम ठीक तो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। तो क्या करूं तुम्हें ठीक करने के लिए, क्या करूं बता दो। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हासिर है। हाँ, जान ही तो चाहिए। जब जब मैं अपने मकसद के करीब आती हूँ, वो वैधही बीच में आ जाती है। वो वैधही चाहिए मुझे। तुम्हारा उस पे दिल आ गया था ना, तो जाओ, दिल लुटाओ, मिटा दो उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए। जाओ, खत्म कर दो उसको। सुनो, होने के लिए तो ये एक खून होगा, पर लगना चाहिए एक हादसा, क्योंकि अगर राघव को पता चल गया कि वैदा ही मर चुकी, तो फिर वो गांव वालों की बातों में आ जाएगा, और फिर वैदा ही के मरने के बाद भी मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। राघव, एक बार मेरे ये रास्ते का कांटा, ये वैद्य ही मर जाए, उसके बाद मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी, हर हाल में करूंगी, अपना मकसद पूरा करूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।